हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। तो आज बनेगा कुछ खास। हर बार पापा बनाते हैं लेकिन इस बार मैं ट्राई करूँगी। पहले भी मैंने एक बार बनाई है लेकिन आज फिर से ट्राई करते हैं वैसी बनती है या नहीं। तो आज बना रही है मावा मटर की सब्ज़ी। सबसे पहले मैंने मटर को उबालने के लिए रख दिया, फिर रखा तेल। तेल में मैंने जीरा और एक तेज़पत्ता और फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया। प्याज होंगे तब तक मैं मूँगफली और तिल का पेस्ट बना लूँगी। इस तरीके से पाउडर बनाया है और प्याज हो चुके हैं। इसमें डालूंगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च का को कूट के डाला है मैंने, तो ये होने देंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें कुछ मसाले, बेसिक से मसाले ही जाएंगे इसमें। और मावा रखा हुआ था दो तीन दिन पहले, वो जो सुरंग की सब्ज़ी बनाई थी उसमें बचा हुआ था, तो वो रखा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मावा मटर बना लूँ, तो और मेहमान भी थे तो दोनों काम हो गए। तो ठंड में हमारे यहाँ ये सब्ज़ियाँ बनी जाती है, जैसे सूरन, हल्दी और मावा मटर, तो हमारे घर में सभी की फेवरेट सब्ज़ी हैं। तो अभी टमाटर का पेस्ट बनाना है। चॉपर में करूँगी, मिक्सी में चलाते हैं तो ज़्यादा वो पानी पानी सा हो जाता है, इसलिए चॉपर में अच्छा से हो जाएगा। तो ये सारा काम किया मैंने जब तक। लहसुन प्याज अदरक सब अच्छे से हो चुके हैं, तो इसमें डालेंगे हल्दी और मिर्ची। मिर्ची अपने अनुसार डाल लें। मैंने यहाँ 3-4 चम्मच मिर्ची डाली थी और धनिया पाउडर। और इसको मिक्स करने के बाद पानी नहीं डालूंगी, डायरेक्ट मैंने जो टमाटर को पीसा है वो डाल दिया है। फिर इसमें डालूंगी नमक, टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। और इसको थोड़ी देर धीमी आंच में पकाना है ताकि मसाले सारे अपना फ्लेवर छोड़ दे। और इसके छींटे बहुत लगते हैं, दीवार देखो पीछे ना टाइल्स पे पूरे छींटे छींटे हो गए इस मसाले के, तो हाथ के हाथ इसको भी साफ़ कर दूँगी। तो भी मसाला पकने के बाद फिर मैंने इसमें पनीर का मसाला रखा हुआ था, पनीर मसाला थोड़ा सा वो डाल दिया। फिर जो मूंगफली और तिल का पिसा हुआ पाउडर था वो डाला, और जो मटर हमने उबाले थे वो डाल दिए। अब इसको अच्छे से उबलने दूंगी। जब तक ये उबलेगा तब तक मैं आटा लगाती हूँ। मिक्स आटे की बाटी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने गेहूँ का आटा ले लिया, ये है मक्की का आटा, और बेसन लिया है आधी कटोरी बेसन, एक कटोरी मक्की का आटा लिया और एक कटोरी बाजरे का आटा। तो ये 3-4 तरह का आटा मिलाकर मैं इसको छान लूँगी। और मिक्स बाटी भी अच्छी लगती है। फिर इसमें मैंने डाला कसूरी मेथी, अजवाइन डाला है। अजवाइन से एक फ्लेवर भी अच्छा आता है और बाटी पचने में भी मदद करता है। बाकी फिर नमक डाला, हल्दी डाला और इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी ताकि ये ज़्यादा कड़क ना हो, क्योंकि मिक्स आटा है ना, तो हमेशा याद रखना मिक्स आटे की बाटी बहुत कड़क हो जाती है। तो फिर इसमें थोड़ा सा तेल डाला और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद गुनगुने पानी से इसका आटा लगाना है। तो आटा लगाया उधर, तब तक सब्जी में उबाल भी अच्छे से आ गया है, सब्जी पूरी पक चुकी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मावा, और मावा डालने के बाद तुरंत गैस बंद कर देना है। मैंने यहाँ पर अपना जो इंडक्शन था वो बंद कर दिया। उसके बाद अब इसमें धनिया डाल देंगे। इस तरीके से मावा मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। तो चलो सब्जी को रख देते हैं साइड में। और तो आटा लगा लिया मैंने, अब बनाऊंगी मैं इसकी बाटी। तो मीडियम साइज़ की बाटी बनाना है, और मैंने ऊपर कंडे भी लगा दिए हैं क्योंकि ओवन पे बाटी नहीं सेकूंगी मैं, अंगारे पे सेकूंगी। तो बाटी सीख चुकी हैं, और मैंने कहा था ना वो कड़क हो जाती हैं, तो हल्की हल्की कोई कोई बाटी ज़्यादा कड़क हो गई थी। तो इस तरीके से हमारे शाम का खाना बनकर तैयार हो चुका है।
तो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।